तो चलिए क्लास नाइन स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। द नेम ऑफ टॉपिक इज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो हमें आज मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, पहले तो आप इसकी एनन्सिएशन लिखेंगे। You just write the enunciation of midpoint theorem. Midpoint theorem basically is related to the triangles. Okay, so we can write the midpoint theorem as the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. This is the enunciation of midpoint theorem. बिल्कुल इसी तरह ये midpoint theorem आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। midpoint theorem क्या है, यहां पर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मैं बता दूंगा कि आपको बिल्कुल ना ये अंडरस्टैंड करना व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द स्टेटमेंट इज। जैसे कि मैं यहां पर इसके लिए एक फिगर बना रहा हूं। ये है ट्रायंगल एबीसी। इन दिस ट्रायंगल एबीसी आई विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ इट्स टू साइड्स। से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is the midpoint of AC. Okay, if I join DE, this is called a line segment joining midpoints of two sides of a triangle. ये triangle के दो sides के midpoints को join किया मैंने, तो ये line segment बन गया। अब मैंने क्या करना है, is मतलब is equal to the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle। यहां तक तो ये गिवन है। इज के बाद जो कुछ है हमें वो प्रूव करना है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। देखो बेटा ये दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी। इन दो साइड्स को छोड़ के अब तीसरा साइड कौन सा रह गया, दैट साइड इज बी सी। अब मुझे प्रूव करके देना है जो ये बी डी ई है, दिस लाइन सेगमेंट डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी। समझ आ रहा है आपको, ये बी सी के साथ पैरेलल होना चाहिए और इट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब ये डी लाइन सेगमेंट जो है ये बी सी का हाफ भी होना चाहिए। तो मैं यहां पर एक पहले हम गिवन लिखेंगे। व्हाट द गिवन इज इन दिस क्वेश्चन, गिवन इज अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है क्योंकि ये लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल है पहले, अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। जानते हैं आप तर्तीब के साथ, यानी डी पहला पॉइंट है और पहला साइड ए बी है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ओके, ये गिवन है इसमें। तो अब इसमें प्रूव हमें क्या करना है, उस स्टेटमेंट को हम टू प्रूव कहते हैं। हियर वी हैव टू प्रूव डी ई। यहां पर एक और पॉइंट है, डी ई इज जॉइनड। ये वहां से ज्वाइन भी है। प्रूव क्या हमें करना है, टू प्रूव डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई
इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये मुझे प्रूव करके देना है. क्या दिस लाइन सेगमेंट डी ई मस्ट बी पैरेलल टू बी सी एंड द सेम लाइन सेगमेंट डी ई मस्ट बी हाफ ऑफ बी सी. तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. देखो अगर आप सोचेंगे ना, वी आर हियर इन क्वाड्रिलेटरल्स, तो यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है दैट इज डी बी सी ई. तो यही हम आगे प्रोसीड करेंगे. कंस्ट्रक्शन में इस तरह कर रहा हूं, आई विल प्रोड्यूस प्रोड्यूस डी ई टू पॉइंट एफ सच दैट, ये इतना प्रोड्यूस करना है, इतनी ये प्रोडक्शन होनी चाहिए. दिस ई एफ मस्ट बी इक्वल टू डी ई एंड ज्वाइन एफ सी, और फिर एफ सी को ज्वाइन भी करना है. ये है इसकी कंस्ट्रक्शन. तो आगे आपने ये कंस्ट्रक्शन लिखना भी है. क्या लिखते जाओ, प्रोड्यूस डी ई टू एफ सच दैट ई एफ इज इक्वल टू डी ई एंड ज्वाइन सी एफ. ये है कंस्ट्रक्शन, फिर से बता रहा हूं. एक तो आपको डी प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोड्यूस करना है कि ये ए एफ डी के बराबर होना चाहिए, और फिर सी और एफ को ज्वाइन भी करना है. ये तो हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन. लेट अस नाउ स्टार्ट एंड राइट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. तो मैं ये इरेज करूंगा बिकॉज आई हैव वेरी लेस स्पेस हियर. आई विल इरेज इट and I will show you the proof. And proof is now. Proof. What the proof is? Here I will show you two triangles. Triangle number one and triangle number two. We will make these two triangles congruent. See how they are congruent. Number one, मैंने दो triangle बता दिया आपको, A ई डी एंड सी ई एफ. इनमें ए ई सी ई के बराबर है बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना. दूसरी इक्वालिटी, डी ई इज इक्वल टू एफ ई बिकॉज दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने प्रोड्यूस किया. और यहां पर ये एंगल वन एंगल टू के बराबर है, और रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो बन गए ना ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड. सो इन प्रूफ आई विल राइट इन टू ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल्स, ए डी ई एंड सी एफ ई. सी एफ ई फर्स्ट इक्वालिटी, डी ई इज इक्वल टू एफ ई. देखो बेटा, डी ई इज इक्वल टू एफ ई. ये फिगर से भी आप देखेंगे, डी ई इज इक्वल टू एफ ई एंड इट इज रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन. सेकंड इक्वालिटी, ए ई इज इक्वल टू सी ई. यहां पर भी देखिए, ए ई सी ई कॉरेस्पॉन्डेंस भी बराबर है. ए ई इज इक्वल टू सी ई बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तीसरी इक्वालिटी है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई बाय एस ए एस. When triangles are congruent, you know corresponding parts are equal. तो finally क्या हम कह सकते हैं, AD is equal to CF. Therefore, AD is equal to CF.
रीजन है इसका सीपीसीटी। एक और चीज यहां पर मैं दिखाता हूं एंगल दिस, से इट इज एंगल थ्री, इट इज इक्वल टू एंगल फोर। आगे मैं लिखता हूं एडी इज इक्वल टू सीएफ, इसका रीजन है सीपीसीटी, बट एडी इज इक्वल टू, ये एडी किसके बराबर है, ये डी बी के बराबर है, यहां पर पॉइंट बी है इसका, दिस इज इक्वल टू डी बी। रीजन है बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, ये इसीलिए इक्वल है। एडी इज इक्वल टू सीएफ एंड सेम एडी इज इक्वल टू डी बी, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू सीएफ, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू सीएफ। दिस इज नंबर वन। As angle 3 is equal to angle 4, these are the corresponding parts of congruent triangles. क्योंकि ये triangle इसके साथ मैंने congruent किया, तो angle 3 और angle 4 CPCT हो जाएंगे। But these are alternate interior angles, you just see between two lines CF and AB. But these are alternate interior angles. When alternate interior angles are equal, then lines are parallel. Therefore, AB is parallel to FC. AB parallel FC. But you know, DB is the part of AB. That is, DB is parallel to FC. This is number two. You just compare first and two. See my dear, DBCF, first of all, this DBCF is a quadrilateral, is it? Yes, it is. DBCF, it is quadrilateral. In this very quadrilateral, one pair of opposite sides, which I will show you, DB and FC, these are the opposite sides of this quadrilateral, opposite sides. DB is parallel to FC and DB is equal to FC. नंबर वन में हमने प्रूव किया DB इज इक्वल टू CF और नंबर टू में हमने प्रूव किया DB इज पैरेलल टू FC, और ये पिछले वीडियो में भी ये थ्योरम मैंने आपके साथ शेयर की है और ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भी है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, सच ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। पर वही मैं लिखता हूं फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, इन दो से हमें क्या मिला डी बी सी एफ, डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे ऑब्वियसली, तो देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल BC, but DE is the part of DF, वही मैं लिखूंगा, as DE is the part of DF, जब ये सारा DF BC को पैरल हो गया, ये सारी लाइन ये पैरल, आई को लोगों ने ये रास्ते गए आसन ये था पैरल, that is DE is parallel to BC। तो पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया, जो आपको टू प्रूव मैं आपने जो लिखा था, वी वेर सपोज टू प्रूव डीई पैरेलल बीसी एंड डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, इज इट क्लियर। तो आगे मैं लिख रहा हूं, आपने यहां पर देखा डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, मैं लिखूंगा डीएफ इज इक्वल टू बीसी, रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जरा पैरेललोग्राम फिर से देखिए, ये कौन सा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ये डी बी सी एफ, आपने पढ़ा है डी बी सी एफ इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वही मैंने लिखा डी एफ इज इक्वल टू बी सी। अब देखो बेटा, ये डी ई जो है ना, ये पूरा डी एफ का हाफ है, क्योंकि हमने डी ई और एफ ई को बराबर कर दिया। As DE
is equal to half of DF. Therefore, this DE is equal to half of इस DF की जगह मैं BC लिखूंगा. Hence, it is proved. तो ये रहा प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. फिर से मैं समझाऊंगा, जब आप मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे या जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने इस एनन्सिएशन को देखना है. एनन्सिएशन में लिखा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. फिर आपने फिगर कैसे बनानी है, सबसे पहले आप बनाएंगे एक ट्रायंगल, नेम इट एबीसी. तो बना दिया मैंने ट्रायंगल एबीसी. इस ट्रायंगल एबीसी में टू पॉइंट्स मार्क करने हैं, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई. दीज टू पॉइंट्स आर टू बी मार्क्ड एज द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली. हो गया ना, ठीक. उसके बाद डी को ज्वाइन भी करना है. तो ये फिगर कंप्लीट होती है गिवन के लिए. फिर टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आपने यहां से डी को थोड़ा सा प्रोड्यूस करना है इतना, सो दैट ई एफ इज इक्वल टू डी ई एंड यू हैव टू ज्वाइन सी एफ. फिर सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे. जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो वहां से ही सारा आपका काम क्लियर हो जाता है. दिस वॉज ऑल अबाउट मिड पॉइंट थ्योरम. Now there is one more theorem related to the same midpoint theorem. तो वो theorem दूसरी theorem है इस topic की, और उसी theorem को अब solve करेंगे. तो उसको हम converse भी कह सकते हैं, converse of midpoint theorem. तो वो theorem क्या है, मैं उसी का लिखूंगा enunciation theorem. आप भी मेरे साथ ही लिखेंगे ये theorem क्या है. If a line is drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect is the third side. तो ये है एक और थ्योरम इसकी. क्या, इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल. हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, that line should go parallel to other side, another doim side is guess some parallel guessing and bisect is the third side. ye hame prove karna hai ki wo tisre side ko bisect karti hai. ye hai iska enunciation and you will write the enunciation on your copy also. so first I will draw the figure. what the figure is, figure is a triangle. This is a triangle. Let us name it ABC. As per question, we have a midpoint D of side AB, from which a line is drawn parallel to BC. Okay, which intersects AC at point E. We have to prove E is the midpoint of AC. यही हमें प्रूव करना है इसमें कि E AC का मिड पॉइंट होना चाहिए. तो हम इसके लिए पहले गिवन लिखेंगे. राइट गिवन, अ ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ई पैरेलल BC intersects AC at point E. What we have to prove here? आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं और मैं क्या बता रहा हूं आपको. हमें प्रूव क्या करना है इसमें, we have to prove here
E is the midpoint. Midpoint of AC, because in the theorem it is, then the line bisect is the third side. Ye bisect karta hai, ya hum likh sakte hain to prove mein, we have to prove AE is equal to CE, or you can write it, or AE is equal to CE. Ye bisection hota hai. To iske liye ek construction hum karenge. What construction? See, my dear, through C, draw a line. Through C, draw a line parallel to AB. C से एक line हम draw करेंगे parallel to AB, which meets BE produced at F. आज के सवाल में थी C construction, मगर ये असली क्या है? वहां पर हमने DE को produce किया था F तक. यहां पर हमने C से एक line draw की है parallel to AB. जो बी डी को मिलती है जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वही हम लिखेंगे आगे. थ्रू सी ड्रा अ लाइन पैरेलल ए बी मीट्स डी प्रोड्यूस्ड At F. ये है इसका कंस्ट्रक्शन. तो अब आगे हम इसका प्रूफ लिखेंगे. आई होप दैट यू माइट हैव गॉट ऑल दिस. व्हाट इज द थ्योरम, व्हाट इज गिवन, हाउ टू ड्रॉ द फिगर, व्हाट इज टू प्रूव, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन एंड व्हाई वी हैव टू मेक सच ए कंस्ट्रक्शन. तो ये सारा हमें प्रूव करना है. ये इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने डी बी सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया था. इस वक्त ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने कहा था ये कन्वर्स है किसका, मिड पॉइंट थ्योरम का. तो प्रूफ इसका इस तरह लिखेंगे, दिस इज द प्रूफ. नाउ इससे पहले क्या हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट किए थे, वो हम नहीं करेंगे. हम क्या करें, यहां पर हम देखेंगे एज यू नो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज गिवन, सो वी कैन से डी एफ इज पैरेलल टू बी सी. एंड एज यू नो ए बी इज पैरेलल टू एफ सी, सो वी कैन से डी बी इज पैरेलल टू एफ सी. इट मीन्स दैट डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. तो यही काम हम करेंगे. अगला पॉइंट इस तरह लिखेंगे प्रूफ का, एज डी ई पैरेलल बी सी, देयरफॉर डी एफ इज पैरेलल बी सी, देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी. व्हाट इज द रीजन, देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी, बिकॉज डी सॉरी हाँ बिकॉज डी ई इज प्रोड्यूस्ड टू मेक डी एफ. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, एज ए बी पैरेलल एफ सी, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर DB is parallel to FC. DB is parallel to FC because DB is the part of DB is the part of AB. Therefore, DBCF is a parallelogram. क्योंकि ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बिल्कुल लेता है. डी बी पैरेलल एफ सी, डी एफ पैरेलल बी सी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड सच ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो मैं लिखूंगा यहां पर Therefore, angle B is equal to angle F.
यू जस्ट सी इट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ. रीजन क्या है इनका? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक, बट एंगल बी इज इक्वल टू, आई कैन नेम हियर एंगल वन. एंगल वन, रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दिस डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, देयर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एफ. यहां पर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री. इज इट क्लियर? तो आगे मैं लिख सकता हूं एज एडी इज इक्वल टू डी बी. रीजन, दिस इज गिवन बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट. समझ आ रहा है ना? बट डी बी इज इक्वल टू एफ सी. रीजन, ये डी बी एफ सी के बराबर क्यों? ये अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बनते हैं. तो अगला सेटअप हमारा होगा, देयरफॉर जब आपने ये प्रूव किया एडी इज इक्वल टू डीबी एंड डीबी इज इक्वल टू एफसी, तो वहां पर क्या आ गया? देयरफॉर एडी इज इक्वल टू एफसी. एडी इज इक्वल टू एफसी, तो ये एडी एफसी के बराबर आता है. Now in two triangles, now in two triangles, कौन से दो ट्रैंगल? ए डी ई एंड सी एफ ई. ए डी ई एंड सी एफ ई, ये दो ट्रैंगल्स में तीन इक्वालिटीज पता करिएगा. एंगल वन इज इक्वल टू एंगल एफ, दिस इज प्रूव्ड. Angle 2 is equal to angle 3. These are vertically opposite angles. AD is equal to FC. This also is proved. Upar hi humne prove kiya na yahan par. Ye AD is equal to FC. Therefore, triangle ADE is congruent to triangle CFE by AAS. When triangles are congruent, corresponding parts are इक्वल. तो ये पार्ट है ए ई, इसके साथ सी ई के बराबर हो जाएगा. देयरफॉर ये है ना ए ई सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई. ये हम प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने कहा था. इट मीन्स दैट ये ए ई और सी ई दो बराबर पार्ट्स हो गए, ये ए ई सी ई के बराबर. तो ये किसने किए ये दो बराबर पार्ट्स? ये डी ई ने किए ए सी के. तो हम लिख सकते हैं हेंस it is proved that, hence it is proved that DE bisects AC. DE ne AC ko bisect kiya. Thank you very much. Thank you. I hope that you might have got it.